Hello, everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the RCC columns basic introduction. This is lecture 5, part 1. Before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So, let's begin our lecture. तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट ऑफ़ दी स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आर सी सी इट इज द लेक्चर ऑन आर सी सी कॉलम्स तो विदाउट एनी डिलेट्स पिग इन इट तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल ये ध्यान रखा है कि आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाए तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको लिख लेना नोटबुक में एटलीस्ट बोला है था मतलब उतना तो लिखो ही लिखो जितना मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाता हूँ बोलता हूँ वो तो लिखना ही है यार आप लोगों को वो तो उससे तो बाहर जाना ही नहीं है मतलब वो अप्रोक्सीमेटली नाइन्टीट टू नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द कोर्स है ही वन परसेंट कभी कभार रेयर क्वेश्चन आ जाएँ उनकी नहीं कह रहा बट रिपीटेटिव क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट कवर होते हैं तो डोंट वरी डू वॉट एम आई वॉट एवर आई एव रिटन ऑन द स्क्रीन राइट इट डाउन लर्न इट यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल सो लेट्स बिगिन दिस पोर्शन विद कॉलम अ कॉलम इज अ वर्टिकुलर मैम्बर दैट रज द लोड बाई एक्शुअल कंप्रेशन और टेंशन फोर्स एंड मोमेंट एग्जाम्पल आर सी सी कॉलम्स यानी कि भाई ऐसा कॉलम एक ऐसा स्ट्रक्चरल वर्टिकल मेंबर है जो कि लोड को रजिस्ट करता है एक्शियल कंप्रेशन टेंशन से एंड मोमेंट से अच्छा कॉलम के साथ स्ट्रट क्या होता है स्ट्रट एक वर्टिकल इंक्लाइंट मेंबर है जो कि एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट कर रहा है थ्रू एक्शल टेंशन और कंप्रेशन यानी कि स्ट्रट के अंदर मूवमेंट नहीं है एग्जाम्पल हमारे ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेम्बर्स हैं दे ऑल आर स्ट्रट्स जबकि कॉलम कैसा है आर के हम जो कॉलम बनाते हैं घरों में वो सारे के सारे उसके एग्जाम्पल हो गए कॉलम के पिडेस्टल क्या है पिडेस्टल्स आर वर्टिकल मेंबर्स हुज हाइट इज लेस देन थ्री टाइम्स द लेटरल डायमेंशन जिसकी हाइट थ्री टाइम्स द लेटरल डायमेंशन से कम है उन्हें हम पिडेस्टल्स कहते हैं ओके वॉल क्या है वॉल की जो ब्रैथ है ब्रेड्थ इज ग्रेटर देन फोर टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल यानी कि जो वॉल बनाएंगे तो ब्रिक्स रख के हम उसको एक ब्रेड्स देंगे और उसकी एक थिकनेस है से टी तो वो थिकनेस जो है उसका फोर टाइम्स कर दो उससे अगर बड़ी आपकी ब्रेड्स है तभी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को वॉल कहा जाएगा वरना उसे वॉल भी नहीं कहा जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशनस है एज अ डेफिनेशन ये तो याद ही करनी है आपको अच्छा मैंने एक पूरा यहाँ पे एक ट्राई किया है कि आपको मिनिमम से मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम जो फेलियर्स हैं कॉलम्स के वो समझा सकूं जिससे कि आप ये समझ पाएँ कॉलम्स कितने टाइप के हैं उनके डिज़ाइंस पैरामीटर्स uh, हम कौन से लगाने वाले हैं किस तरीके से उनका डिज़ाइन होने वाला है ये सब कुछ देखते हैं फेलियर ऑफ कॉलम्स है तो फेलियर ऑफ कॉलम को ब्रॉडली हम थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं प्योर कंप्रेशन कंबाइंड फेलियर एंड बकलिंग फेलियर लेट्स टॉक अबाउट द प्योर कंप्रेशन फर्स्ट प्योर कंप्रेशन मतलब नो लेटरल डिफॉर्मेशन इन कॉलम कॉलम जो है उसका लेटरल डिफॉर्मेशन नहीं है जैसे कि आप पिक में देख रहे हो यहाँ फेलियर होगा जैसे ये पीछे वाला कॉलम है सपोज लेटरल डिफॉर्मेशन क्या है पहले उसको समझा दो तो देखो जैसे अगर लोड लगाएं तो कॉलम थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाए उसको ही तो लेटरल डिफॉर्मेशन कहते हैं तो ऐसा कोई बहुत विजिबल लेटरल डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है अब हम थियोरिटिकली बात करें तो जीरो लेटरल डिफॉर्मेशन ठीक है बट मिनिमम या कौन नेग्लिजिबल लेटरल डिफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट डिटेक्टेबल थ्रू आइज़ वो वाली चीज़ें हमने बोल दी प्योर कंप्रेशन में होगी ओनली फेल्स ड्यू टू फेलियर इन मटीरियल्स दिस इज इंपॉर्टेंट यानी कि प्योर कंप्रेशन में फेलियर किस वजह से है मटीरियल में फेलियर की वजह से यानी कि आर फेलियर या तो वो ईल्ड आ जाए किस में आर में या स्टील में मतलब ईल्ड मतलब फेलियर स्ट्रेस आ जाए या तो कॉन्क्रीट में आ जाए या स्टील ही फेल हो जाए तो वो क्या है कंप्रेशन फेलियर है तो सबसे बड़ा दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है सर किस टाइप के कॉलम में फेलियर देखने को मिलता है तो मैंने यहाँ स्पेशल नोट करके पॉइंट बना के लिखा इट हैपेंस इन शॉर्ट कॉलम अब इसका सर एग्जाम्पल ये देखो इसके अंदर कॉन्क्रीट फेल कर गया बाकी कॉलम ऑलमोस्ट इंटैक्ट है अपनी जो भी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग तो दिस थिंग इज प्योर कंप्रेशन बात करते हैं पार्ट टू की जिसे हम कहते हैं कंबाइंड फेलियर <laughs> कंबाइंड फेलियर में आपका कंबाइंड कंप्रेशन फेलियर यानी कि प्योर कंप्रेशन प्लस बैंडिंग फेलियर होता है यानी कि आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत लेटरल डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ओके okay. और इसके अंदर आपका मटेरियल भी फेल कर देगा और थोड़ा सा बेंडिंग यानी कि लेटरल डिफॉर्मेशन कॉलम के अंदर हो चुका हुआ इसकी एक पिक मैंने यहाँ लगाई हुई अब ये किस टाइप के उसमें होता है कॉलम्स में ये होता है सर इंटरमीडिएट कॉलम यानी कि शॉर्ट कॉलम से जो थोड़े से बड़े हैं वो है इंटरमीडिएट कॉलम्स उनके अंदर ऐसा फेलियर कंबाइंड फेलियर देखने को मिल गया ओके okay, सर फिर हम बात करते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट है बकलिंग फेलियर के बकलिंग फेलियर को हम लास्टिक फेलियर भी कहते हैं ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में मैंने आपको कॉलम्स का जो एट टी है थियोरी पोर्शन उसको मैं अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई आप लोग बकलिंग फेलियर को वहाँ से देख सकते हैं और बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाए कि वहाँ पे जो डिफ़ॉर्मेशन होता है बकलिंग का वो कैसा होता है इलास्टिक होता है बट उसके अंदर हमारा फेलियर uh, कॉलम का हो सकता है इवन वो इलास्टिक फेलियर है तो सोचो है ना तो फेलियर इज़ ड्यू टू एक्सेसिव डिफ़ॉर्मेशन नॉट बिकॉज ऑफ़ मटीरियल फेलियर ये मैंने साफ साफ लिख दिया यहाँ मटीरियल नहीं फेल हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पिक में यहाँ पे क्या देखो रॉड्स जो हैं ये आयरन स्टील रॉड्स यानी कि स्टील री एकदम बिखर के बिखर गई है एकदम गोली गोली सी हो गई जैसे यहाँ पे भी ये तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बकलिंग फेलियर को इतना ज़्यादा हुआ है कि वो बकल कर गया है यहाँ पर आर ने नहीं फेल किया है या स्टील री के स्ट्रेस नहीं बढ़ा है सब कुछ विद इन लिमिट था बट इतना बकलिंग हुआ इतना लिटरल डिफॉर्मेशन कह सकते हो कि इस तरीके से इसको फेल होना पड़ेगा तो ये किस में होता है बहुत ही लॉन्ग कॉलम्स में होता है विजुअली आप इस पिक में देख सकते हो कि ये आपको मिल जाएंगे अगर आप लिख भी दोगे ना लॉन्ग कॉलम फेलियर्स बकलिंग फेलियर तो ये पिक आपको मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेलियर्स दैट आर टाइम टू टाइम दैट हैव बीन इन वेरियस एग्जामिनेशन लाइक ई एस सी गेट एंड एस एस सी जी तो आप एटलीस्ट टिक मार्क तो कर सको कि कौन सा कॉलम कौन से फेलियर को रिप्रजेंट uh, कर रहा है या कौन सा कॉलम में कौन सा फेलियर आ सकता है उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक पोर्शन बनाया अब कुछ एक छोटी मोटी जगहें थी जहाँ पे बात हुई ब्रेस्ड और अनब्रेस्ड कॉलम की तो वो भी समझा देते हैं कनेक्टिंग टू और मोर कॉलम्स टू मेक देम रिजिड इस टर्म डज ब्रेसिंग ब्रेसिंग का मतलब है कि कॉलम है ये अनब्रेस्ड है यानी कि देखो कॉलम अपने आप में है स्लैब को सपोर्ट कर रहा है ठीक है बट ये फ्री है कि ये लेटरली कहीं पर भी आ, आप कह सकते हो कहीं भी किसी डायरेक्शन में ये लोग दोनों कॉलम अपने अपने हिसाब से लेटरल डिफॉर्मेशन दे सकते हैं बट जो लेफ़्ट में दिख रहा है ब्रेस्ड इसके अंदर एक शेयर वॉल बना दी मतलब एक वॉल बना के हमने इसको कनेक्ट कर दिया है तो इन दोनों को लगाने से अब ये पूरा सिस्टम में एक वन यूनिट हो गया तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा ये पूरे पूरे सिस्टम के अंदर होगा तो शेयर वॉल हमारे एक वे है टू मेक द तो कॉलम्स एज ब्रेस्ड अगर आप चाहें तो आप एक कॉलम की जैसे लेंथ है ओवरऑल और इसके ऊपर स्लैब है तो यहाँ पे भी आप एक बीम बना सकते हो जरूरी नहीं बस शेयर वॉल हो एक आर बीम बना सकते हो उससे भी आप ब्रेसिंग कर सकते हैं तो ब्रेसिंग इज बेसिकली मेकिंग द टू और मोर कॉलम्स टू एक्ट एज वन यूनिट दैट इज ब्रेसिंग सो दैट कैन बी डन थ्रू शेयर वॉल एंड एज वेल एज थ्रू आर बीम्स इवन आप स्टील बीम से भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है बस आपको दोनों को एक साथ एक्ट करवाना है एक यूनिट बनाना है सो दैट्स एट अब फायदा क्या है ब्रेसिंग का ब्रेसिंग का थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाता है कि हॉर्जोंटल लोड जो है वो वॉल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है दोनों सिस्टम के अंदर वॉल कह लो चाहे अब आप ये स्टील कोई भी बीम कह लेना या फिर आर बीम कह सकते हो तो इनके थ्रू क्या होगा थोड़ा जो वर्टिकल लोड है हॉर्जोंटली शेयर हो जाएगा दूसरे पार्ट को तो इससे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसी चीज़ें कहाँ यूज़ करते हैं ब्रेसिंग ये यूज़ करते हैं अर्थक्वैक प्रोन रीज़न में बल्कि आप ये पढ़ोगे अर्थक्वेक प्रोन रीजन में सबसे अच्छा क्या माना गया शियर वॉल बना गया अब, अब हम बात करते हैं सिलेंडर रेशियो की लैमडा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और आरसीसी में हमने इसे लैमडा को जो है वो लिखा हुआ है एल इफेक्टिव अपॉन डी और एल इफेक्टिव अपॉन बी डी और बी क्या है अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शनल जो हमारे डायमेंशन है यानी कि लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन उठाओ तो उसमें एक डायमेंशन बी हो सकता है और एक डायमेंशन कैपिटल डी हो सकता है दैट इज बेसिकली इन आर सी सी एल इफेक्टिव बाई डी एल इफेक्टिव बाई बी आपको याद होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में मैंने आपको पढ़ाया था कि एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गाइरेशन बिल्कुल यहाँ आर सी सी में हमारे आई एस कोड ने बोला है ये चीज़ ये आप लैमडा क्या लेंगे यानी कि सिलेंडर ने इस रेशियो क्या लेंगे इफेक्टिव लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशंस ओके सर ये बात भी अच्छे से मेरे को समझ आ गई तो बात करते हैं लेमडा की तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी लैमडा की वैल्यू uh, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व होती है देन इट वुड बी टर्म्ड एज लॉन्ग कॉलम एल्स इट मीन्स दैट इज लेस देन टवेल्व देन इट इज़ अ शॉर्ट कॉलम और शॉर्ट कॉलम है तो प्योर कंप्रेशन फेलियर है लॉन्ग कॉलम है तो कौन सा फेलियर है इलास्टिक फेलियर यानी कि बकलिंग फेलियर वो हो सकता है ठीक है नाउ वी गॉट दैट बेसिक पार्ट आल्सो अब आई कोड ने और एडेड इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं जैसे कि इफेक्टिव लेंथ क्या हो ये जो मैंने आपको पढ़ाया थियोरिटिकल या बड़ा बड़ा दिख रहा है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में पढ़ा चुका हूँ अगर दोनों साइड से फिक्स है तो ज़ीरो पॉइंट एल होता है अगर एक साइड हिंज है और एक साइड फिक्स है तो दैट इज़ जीरो पॉइंट सेवन एल दोनों साइड से हिंजेस हैं तो वन एल ठीक है uh, फिर वही रोलर सपोर्ट हो और एक साइड एक साइड में वो फिक्स uh, हो या एक साइड में वो हिंज हो उसके अकॉर्डिंग ये सारा बताया हुआ बिल्कुल वही है सेम टू सेम थिंग इज हियर कि हमारे कोड ने बोल दिया है कि तुम ये सब जो है ये तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा ये भाई ठीक है टिक मार्क करने के लिए पर हम सारी कैलकुलेशंस के लिए क्योंकि तो हमने एल इफेक्टिव बाय बी और डी कर दिया है वो रेडियस ऑफ गाइरेशन था तो कुछ ना कुछ चेंज तो यहाँ होने को मिलेगा ही आपको लेमडा में एल इफेक्टिव में सॉरी इफेक्टिव लेंथ में तो इफेक्टिव लेंथ की रेशियोज इन्होंने बदल दिए आपको याद करने कैसे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड री अगेन रोटेशन यानी कि दोनों एंड फिक्स होंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एल एक साइड Uh, में हिंज है और एक साइड फिक्स है तो जीरो पॉइंट एट एल अभी आपको याद ही करने रटने हैं इस पर भी सीधे पूछ लेते हैं किसका क्या होगा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ हैंड्स एंड नॉट री अगेन रोटेशन मतलब दोनों साइड में पिन जॉइंट्स बना दिए हैं तो कितना मिलेगा वन एल सोम में भी वन एल पड़ा था अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में यहाँ पर भी वन एल अच्छा एक जो है एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब रोलर सपोर्ट होता है क्या है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड यानी कि नीचे वाला फिक्स है और एंड एट अदर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन यानी कि यहाँ पे रोटेशन तो नहीं होने दे रहा है बट ये ट्रांसलेट कर सकता है ये किस टाइप की सपोर्ट में मिलता है रोलर सपोर्ट में मिलता है तो दिस वुड बी वन पॉइंट टू

तो ये याद करने, ये सीधे ही पूछ लेंगे वो क्वेश्चन पेपर में तो हम उसको बता सकते हैं अब आई एस कोड ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हैं और हम जो लेक्चर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तो मैं इसमें आई एस कोड की बात करूंगा ही तो आओ एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी इफेक्ट ऑन कॉलम ठीक है सर बताओ क्या है ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी मूवमेंट इज़ डेवलप्ड इन द कॉलम मतलब क्या है एक्सेंट्रिसिटी क्या था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया था आपको यार ये एक्सिस है ये एक्सिस है थोड़ा यहाँ से दूर चला गया एक्सेंट्रिसिटी इन एक्स यहाँ से चला गया एक्सेंट्रिसिटी इन वाई जो सेंटर पॉइंट होता था उसके ऊपर एक मोवमेंट आ जाता था आपको याद होगा तो सिमिलरली द मूवमेंट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ये सेंटर से कितनी दूर है तो हमारे कोड ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं जो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकल प्लस इक्वेशन uh, फॉर्म में लिखने की लिख के दिखाई है इफ एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन फाइव परसेंट ऑफ बी एंड डी बोथ जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उनके बोथ से फाइव परसेंट कम हो एक्सेंट्रिसिटी तो कॉलम कैसे होगा वो शॉर्ट कॉलम होगा और उसमें फेलियर कैसा होगा शॉर्ट कॉलम होगा तो प्योर कंप्रेशन फेलियर होगा ये अब हम समझ चुके हैं बट अगर एक्सेंट्रिसिटी फाइव परसेंट ऑफ बी डी से बड़ी हो तो क्या होगा तो कॉलम में बेंडिंग आ जाएगी बेंडिंग आएगी या तो वो कंबाइंड फेलियर कर जाएगा या फिर हो सकता है वो बकलिंग में भी चला जाए ये डिपेंड करेगा कॉलम लॉन्ग कॉलम है या इंटरमीडिएट कॉलम है आगे बात समझ में तो ई लेस देन फाइव परसेंट कोई बेंडिंग नहीं है ई ग्रेटर देन फाइव परसेंट ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन या यू कहूँ लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम देन इट इज बेंडिंग इफेक्ट शॉर्ट कॉलम के लिए लेमडा क्या चाहिए लेस देन ट्वेल्व चाहिए लॉन्ग कॉलम के लिए लेमडा क्या चाहिए ग्रेटर देन ट्वेल्व चाहिए ठीक है, है. है सर जो मैंने बात बोली वो देखो रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ अगर लॉन्ग कॉलम में फेलियर हो रहा है बकलिंग हो रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि लॉन्ग कॉलम है और उसमें बकलिंग होगी क्यों होगी मोमेंट की वजह से होगी यानी कि फाइव परसेंट सेक्सीड कर रहा है तो शॉर्ट कॉलम जो है वो कैसे कैसे फेल कर सकता है एक तो वो प्योर कंप्रेशन फेलियर में फेल कर सकता है मतलब प्यूश मतलब यार भाई देख एक्सेंट्रिसिटी लेस देन फाइव परसेंट ऑफ बी और डी या बी एंड डी बेटर रहेगा क्योंकि हम दोनों चेक करते हैं मैं आपको न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा भी बी एंड डी दोनों चेक किया था तो प्योर कंप्रेशन फेलियर आपने कहा कि एक्शल लोड एंड यूनि एक्शल बेंडिंग मतलब एक एक्सिस जो है उसमें एक्सेंट्रिसिटी फाइव परसेंट से ज्यादा और दूसरी एक्सिस में एक्सेंट्रिसिटी फाइव परसेंट से कम है इसलिए मैंने बी और डी लिख दिया तो यूनि एक्शियल बेंडिंग यानी एक एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो सकती है एक्शल लोड प्लस यूनि बेंडिंग हो गई ठीक है अगर दोनों ही एक्सेस यानी कि फाइव परसेंट से ज्यादा हो गया बी एंड डी बोथ तो बाई एक्शल बैंडिंग हो गई और साथ में क्या है एक्शल लोड है तो तीन टाइप के फेलियर दिखे कि नहीं दिखे आपको शॉर्ट कॉलम में प्योर कंप्रेशन एक्शल लोड प्लस यूनिक्शल बेंडिंग और एक्शल लोड प्लस बाइ एक्शल बैंडिंग वैसे फेलियर नहीं है मेरा मतलब थ्री कंडीशंस है थ्री कंडीशंस ऑफ दैट कैन लीड टू फेलियर उसमें लोड है बेंडिंग है दो टाइप की अब ठीक है सर आप फाइव परसेंट वाली बातें कर रहे हो ये कोड में मैंशनड है आप क्लॉज में भी देख सकते हो बट मैंने सोचा ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो आपको याद भी हो जाएगा समझ में भी आएगा अब इन्होंने मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी भी बोली है मतलब कोड ने बोला है ऑल कॉलम्स शुड शैल बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी देखो मैंने हाईलाइट करा है बाकायदा और क्लॉज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर ऐसा क्यों क्योंकि आपकी एक्सेंट्रिसिटी भले से फाइव परसेंट से कम हो बट हम बोलते हैं मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करो ही करो लोड को तो क्यों करते हैं सर एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटी से कॉलम को बचाने के लिए यानी कि कॉलम अगर प्योर कंप्रेशन के लिए भी डिज़ाइन हो रहा है एज़ पर आई एस कोड इसका मतलब हमने उसमें क्या डाला है मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट डाला हुआ है इस बात को दिमाग में घुसा लो एक्सेंट्रिसिटी पाँच परसेंट से ज़्यादा मतलब बेंडिंग होगी और एक्सेंट्रिसिटी अभी भी पाँच परसेंट से कम है एक्सेंट्रिसिटी अभी भी पाँच परसेंट से कम है बट एक मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी जो कि पाँच परसेंट से कम होगी उसके लिए भी कॉलम को डिज़ाइन किया जाएगा चाहे वो प्योर कंप्रेशन फेलियर क्यों ना हो और उसकी वैल्यू कोड ने सजेस्ट की हुई है ये रही मिनिमम डिजाइन एक्सेंट्रिसिटी कोड ने बोली इज इक्व टू एल अनसपोर्टेड डिडेड बाई 500 हंड्रेड प्लस बी और डी डिवाइडेड बाई थर्टी ठीक है और मिनिमम बोला है ट्वेंटी एम एम क्या बोला है और ट्वेंटी एम एम या लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी एम एम यानी कि इन दोनों में से सपोज करो इसको मैंने सॉल्व किया इसकी वैल्यू आई ट्वेंटी थ्री और मिनिमम ट्वेंटी तो हम कितना ले लेंगे ट्वेंटी थ्री एम एम ले लेंगे सर ठीक है अगर सपोज करो ये ऊपर वाला सॉल्व किया मेरी आई नाइनटीन और नीचे वाली है ट्वेंटी तो अब क्या लेंगे ट्वेंटी एम mm लेंगे इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी कॉलम की ट्वेंटी एम एम तो रहने ही वाली है ये बात समझ में आई आई होप आई गई होगी हम कह सकते हैं कि प्योर कंप्रेशन फेलियर में भी आप मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट लेंगे इन डिज़ाइन ठीक है सर आपने बढ़िया बता दिया अब थोड़ा ये समझा दो क्योंकि हमारे पास बी है डी है मैं बी कौन सा लूँ डी कौन सा लूँ देखो ऐसा कोई आ, फिक्स रूल नहीं है आप जिसको चाहो बी ले लो डी ले लो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है बट आप मेरे से बस ये चीज़ सीख लो कि कैसे एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्सएक्स लेना है वाई वाई लेना है मैं जनरली एक्स एक्स एक्सेस इसको लेता हूँ और ये वाली जो परपेंडिकुलर टू आवर हॉर्जोंटल एक्सेस होती है उसे वाई वाई लेता हूँ सो ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू जैसे मैंने बी इसको माना डी इसको माना आपकी जो मर्जी आप चाहो उसको डी मान सकते हो उसको बी मान सकते हो बट मैं शुरू से इसको बी मानते आऊँ क्योंकि तो बी में भी ऊपर यहाँ पे वृथ लिखते थे बी तो आदत हो गई है बी ऊपर जाता है डी अपने आप यहाँ आता है अब एक्स एक्स एक्सिस जो है वो डी को कट कर रहा है बस मेरे को इतना ही समझ आता है तो ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एन सपोर्टेड बाय अनसपोर्टेड बाई फाइव हंड्रेड प्लस किसको कट कर रहा है डी को तो डी डिवाइडेड बाय 30 ओके okay? तो वही ट्वेंटी एम के रेस्पेक्ट में देख लेना और जो भी बढ़ा हो वो आ गया आपका एक्सेंट्रिसिटी इन एक्स एक्स डायरेक्शन अब आपसे कोई पूछे एक्सेंट्रिसिटी इन वाई वाई डायरेक्शन फॉर द सेम डायग्राम बी का है ये रहा तो वाई वाई किसको कट कर रहा है बी को तो एल अनसपोर्टेड डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड प्लस बी बाई थर्टी और या फिर ट्वेंटी एम mm, तो जो भी बढ़ा हो आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया है कोई कन्फ्यूजन बचे ही नहीं मैं यही यूज़ करने वाला हूँ चाहे मेरे कितने न्यूमेरिकल आ जाए चाहे किसी भी कोचिंग ने कोई सोल्यूशन दिया हो मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन यही रखूँगा ओके ये क्लियर okay? है अब बता अच्छा आपको समझ में आ गया लोड है एक्सेंट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली इन एक्सेंट्रिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके मोमेंट भी आ जाएगा मोमेंट तो क्या है सर अल्टीमेट लोड मल्टीप्लाई बाय एक्सेंट्रिसिटी तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई क्या एम यू एक्सएक्स कह दूंगा वाई वाई से क्या तो एम यू वाई वाई कह दूंगा तो एक्स और वाई डायरेक्शन के, तो के अंदर भी मूवमेंट मिल गया ठीक है सर गॉट दैट टू सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग uh, पार्ट था और रैम्प uh, अप करने से पहले एक एक और चीज़ हम देख लेते हैं वो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट ऑल दो मैं इसको शॉर्ट कॉलम वाले लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें रिपीट करूंगा बट अभी मैंने आपको समझा ही दिया है तो एज़ पर कोड मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी टू बी ट्वेंटी एम यह आपको एक ट्रिक है अगर आपको कभी डिज़ाइन करनी पड़े ना तो कैसे आप हेल्प ले सकते हैं डायमेंशन की देखो एज पर कोड मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी टू बी 20 एम mm. एम ठीक है सर 20 एम mm एम तो रखनी रखनी है हर हाल में और 5 परसेंट से कम हो तो वो कैसा फेलियर है प्योर कंप्रेशन फेलियर है मैं उसी की बात कर रहा हूँ फॉर प्योर कंप्रेशन फेलियर तो मैं काम करता हूँ मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 20 रख देता हूँ तो 20 इज लेस देन 5 परसेंट ऑफ बी और डी तो बी और डी की वैल्यू कितनी होगी फोर हंड्रेड mm एम एम से बड़ी होगी यानी कि आप कह सकते हो अगर आपको कोई बोलता है कॉलम डिज़ाइन करना है आपको तो या आपको कल को एक क्वेश्चन आ सकता है एस एस सी और ई एस सी में बिल्कुल बेसिक सा कि अगर आपको प्योर कंप्रेशन फेलियर यानी कि शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना है तो आप फर्स्ट अजम्पन मिनिमम लेटरल डायमेंशन का कितना रखोगे तो आप कहना फोर हंड्रेड एम एम रखूँगा और ये आपके रियल लाइफ में भी बहुत वैलिड है अगर आपको बस छोड़ दिया जाए कि हाँ आपको ही डायमेंशन लेने और आप नहीं चाहते वो फेल करें आप चाहते हो प्योर कंप्रेशन ही बना रहे तो फोर हंड्रेड प्लस डायमेंशन ले लो तो मिनिमम कितना रखना है फाइव परसेंट वाले फॉर्म और ट्वेंटी एम mm में ट्वेंटी एम mm डाल के हमने देख लिया फोर हंड्रेड एम mm तो रखना ही रखना है लिटरल डायमेंशन हैंस uh, मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट आई एस कोड मैंशन कर दिया है अब आप लोग पढ़ें को तो रिवाइज करते रहें क्वेश्चन देखें और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शॉर्ट कॉलम में जो भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हैं एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे क्या डायमेंशन होगी क्या फॉर्मूला होगा वो देखेंगे और बड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे फिर गेट ई एस 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 सी जे के क्वेश्चनस भी देखेंगे so before leaving i request you guys subscribe this channel share it with your friends or if you have any query please mention it in the comment section below signing off bye bye